हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रैंटेक्ट के इंजेक्शन के बारे में। तो रैंटेक्ट क्या रहेगा? एक रैंटिडिन रहेगा जो एसिड प्रोडक्शन, स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, तो HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, तो इसको इनहिबिट करने के लिए जो है, एसिडिटी को दबाने के लिए जो है रैंटेक्ट नाम का इंजेक्शन यूज करते हैं। रैंटेक्ट टैबलेट के फॉर्म पे भी आता है, रैंटेक्ट सिरप फॉर्म में भी आता है। सो यूजुअली सिरप जो है वेरी रेयर पीडियाट्रिक यूज में इस्तेमाल करते हैं, बट एडल्ट फॉर्म में जो है अबो द 5 या 6 ईयर्स के एज पे हम यूजली टैबलेट ही यूज किया जाता है। तो एडमिट पेशेंट, जो भी पेशेंट एडमिट होंगे, जो भी हाई एंटीबायोटिक में रहेंगे MICU SICU के वार्ड पे, तो हम उनके लिए क्या राय देते हैं? रैंटेक्ट का इंजेक्शन देते हैं। तो ये रहा रैंटेक्ट, इसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट करेक्ट से डिटेल से पढ़ लेना चाहिए बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो है अराउंड 2 ml का एम्पुल आता है और रैंटेक्ट रैंटिडिन जो केमिकल इसके अंदर है, तो अराउंड 27.9 mg का इसमें जो है रैंटिडिन का केमिकल आता है। तो पर ml जो है 27.9 mg रहेगा, तो अराउंड 27 × 2 तो अराउंड 54 के ऊपर जो है इसका जो है कंटेंट, एंटायर एम्पुल में कंटेंट रहेगा। तो अराउंड 50-55 mg जो हम रैंटिडिन जो है आईवी देते हैं। इसको हमेशा आईवी देना चाहिए, आईवी कैनुला इंसर्शन के बाद, ना कि IM बटक्स में। ओके, इट इज यूजुअली गिवन अलॉन्ग विद द ऑनडेन सिट्रोन, या फिर एमसेट होने के बाद, या फिर ए होने के बाद एमसेट जो है यूजुअली जो कंबाइन ही दिया जाता है। एसिड की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, तो इसको दबाने के लिए जो है रैंटिडिन जो है हम दे देते हैं। ओके, तो रैंटिडिन जो है एसिड प्रोडक्शन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रहेगा, मतलब जो भी एसिड उत्पादन होता रहता है स्टमक के अंदर, हाई एंटीबायोटिक हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या फिर हम उल्टा सीधा ज्यादा हम कुछ भी खा लेते हैं एसिड, ज्यादा से मिर्ची खा लेते हैं, तो उससे एसिडिटी बढ़ जाता है, हार्ट बर्न्स होना शुरू हो जाते हैं, सीवियर हार्ट बर्न्स जिनको टॉलरेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है पेशेंट को, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं? तो जेंटेक्स अभी तो ये कंपनी दे रहा, बट रैंटेक जो है यूनिवर्सली आप कहीं पे भी जो रैंटेक 2 ml का एम्पुल है, फिर रैंटेक का एम्पुल बोले तो आपको मिल जाएगा। ओके, उसके अंदर रैंटिडिन होगा जो एसिड को दबाने के लिए, स्टमक एसिड को दबाने के लिए जो है हम रैंटिडिन यूज करते हैं। तो ये रहा एंटायर एक्सप्लेनेशन अबाउट रैंटिडिन।